गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, मॉन्सर आई एवे सेकेंड चैप्टर का, राइट। फर्स्ट चैप्टर करेंगे एन अनकम्फर्टेबल बेड। बहुत मजाकिया सी स्टोरी है, अगर हम आमने सामने होते तो शायद हमको ज़्यादा मजा आता, बट इट्स ओके। आप लोग ये स्टोरी अच्छे ध्यान से सुनिए, यू विल श्योरली इंजॉय इट, आप उसको इंजॉय करेंगे। एन अनकम्फर्टेबल बेड लिखी है एक फ्रेंच राइटर ने, गाय डी मोपसेंट। मैं आपको स्पेशली क्यों बता रही हूँ कि फ्रेंच राइटर है, वाई क्या होता है, जो भी राइटर होता है जब वो लिखता है वो जिस जगह को बिलोंग करता है उसकी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई जो हमको अपनी स्टोरी में वो बता रहा है वो वहाँ की सिंबलाइज करती है, सिग्निफाई करती है। यहाँ पर पूरी स्टोरी में इस तरीके की बातें बताई गई हैं जो मोस्टली, चाहे आप एनवायरनमेंट कह लो, बेड जो इन्होंने अनकंफर्टेबल बेड जिसके बारे में बोला है आपको ले लो, और जब हम पूरी स्टोरी समझेंगे सुनेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आई से शुरू होता है, मीन्स जो ये फ्रेंच राइटर है गाय डी मोपसेंट, ये अपनी स्टोरी बता रहा है, और ये बता रहा है कि मैं एक बार पिकार्डी गया था, नॉर्थ फ्रांस में जगह है पिकार्डी, ये वहाँ गया था। इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, हम लोग शायद यहाँ पर भी देखते होंगे कि कुछ जने मिलके एक जने पर प्रैंक करते हैं, राइट, ये उसी पे ही डिपेंड है पूरी स्टोरी। एक प्रैंक है और ये राइटर उस प्रैंक में फंस जाता है। कैसे फंसता है, क्या होता है, क्या मज़े आते हैं, आए। अब यहाँ पर पिकार्डी में ये पहुँचता है, इसके फ्रेंड्स इसको बहुत वेलकम कर रहे हैं, इसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। तो इसके दिमाग में क्या आ रहा है, इसके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि पक्की बात है अब इन लोगों ने मेरे ऊपर प्रैंक करना है कि कहीं मैं इनके हंसने का पात्र बन जाऊँ, राइट। इनको एम्यूजमेंट सूझ रहा है, इनको मौत सूझ रहा है कि ये कैसे भी करके मेरा मजाक, सब मिलके मेरा मजाक बनाएं। यहाँ पर जब सारे फ्रेंड्स इसका वेलकम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा खुश होकर, तो इस वेलकम के बाद इसका दिमाग कहाँ चल रहा है, ये उनकी बातें सुन रहा है, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, अच्छा वो वैसे कर रहा है, अच्छा ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, ये हर तरफ अपना दिमाग लगा रहा है। ये इसने डिसाइड कर लिया कि मैं ही विक्टिम हूँ आज के जोक का, मतलब मेरे ऊपर ही जोक करा जाएगा। सब लोगों ने डिनर किया, डिनर बहुत अच्छा था, सबको बहुत मज़ा आया, हंसी मजाक हो रही है, और सब ने आपस में गुड नाइट बोला और सब अपने अपने रूम्स में चले गए। इवन कि इसके सारे फ्रेंड्स इसको रूम में गुड नाइट बोलने आए, तो ये और सस्पिशियस हो गया कि अब तो पक्का है मेरे पर ही प्रैंक किया जाएगा कि भैया इसको गुड नाइट बोल के आओ, देखा क्या, देखते हैं क्या होता है। अब ये रूम में गया, इसने अंदर से रूम लॉक कर लिया, एक कैंडल जल रही थी वहाँ पर। अब मैंने आपको बोला ना फ्रेंच, ये पहले टाइम की स्टोरी है, वहाँ पर लंबे लंबे स्टैंड्स पे कैंडल्स रखी जाती थी और एक कैंडल को जलाया जाता था, रूम में और भी कैंडल्स होती थी, आप चाहें तो उनको जला सकते थे। अब यहाँ पर इसने एंटर होते ही गेट बंद किया, गेट के पास ही खड़ा है तो इसको पीछे से सब साउंड सुनाई दे रही है, इसको सारी वॉइस आ रही है कि बाहर हंसी मजाक हो रहा है, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। स्टे खड़ा रहा, इसने पूरे कमरे को देखा कि शायद विंडो में कुछ होगा, शायद गेट में कुछ होगा, जो सोफ़ा पड़ा है, बेड पड़ा है, इसने हर चीज़ को ध्यान से देखा। अब इसने क्या किया, जो सारी विंडोज़ थी उनको प्रॉपर शट कर दिया, बंद कर दिया, कर्टन लगा दिए। अब ये जब बैठा है इसने सोचा अब एक कैंडल जल रही है तो हो सकता है ये कैंडल एकदम बुझ जाए तो पूरे कमरे में अंधेरा हो जाए, फिर कोई ना कोई बात होगी।
अब इसने क्या किया, उस कैंडल से सारे जितनी भी कमरे में कैंडल्स थी सबको जला दिया। अब सब कमरे में रोशनी रोशनी हो गई। अब यहाँ पर जलाने के बाद, कैंडल्स जलाने के बाद, वहाँ पर एक आम चेयर पड़ी थी, उस पर कंफर्टेबली बैठ गया। बैठने के बाद वो सोचे जा रहे हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ये प्रैंक हो सकता है, अच्छा वो जोक हो सकता है, सारी चीज़ें वो सोचे जा रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब इसने क्या किया, इसने सब कुछ देखने के बाद, इसने गेट में देख लिया, इसने विंडोज़ में देख लिया, आसपास जो चीज़ें पड़ी थी उसमें भी देख लिया कि शायद इसमें कुछ हो, इसमें कुछ हो। जब उसको कुछ नज़र नहीं आया, ये अपने बेड की तरफ हुआ, बेड की तरफ गया, इसने सारी चादर हटाई, ब्लैंकेट्स हटाए, सब कुछ हटाने के बाद इसने देखा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने कहा कि मैं बेड पे सोने की बजाय नीचे ज़मीन पे अपना बिस्तरा बिछाऊंगा। उसने क्या किया, अपने लिए बेड खुद बनाया, पूरा बिस्तरा बिछाया जैसे उसको चाहिए था। अब इसने पूरा बिस्तरा बिछाने के बाद आधा घंटा एक घंटा आम चेयर पे बैठा रहा, सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर उसने कहा चलो ठीक है देखते हैं। एक सारी कैंडल्स बुझा दी, जो लास्ट वाली कैंडल थी उसको बुझाने के बाद वो इमेजिन करता हुआ कि भाई कितने स्टेप दूरी पर मेरा बेड है, मैं उस बेड तक चला जाऊँ। वो पहुँच गया और वो अपनी ब्लैंकेट ओढ़ के सो गया। अब काफ़ी रात तक वो सोता रहा, लेकिन जितनी देर उसको नींद नहीं आई, हल्की सी आहट में भी उसकी आवाज़ आँख खुल रही थी कि कुछ है तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है, अब यहाँ पर जब वो अच्छी गहरी नींद में सो रहा था, एकदम क्या हुआ, उसके ऊपर कुछ भारी सा गिरा, और एकदम भारी से गिरने के बाद कुछ गर्म लिक्विड भी गिरा, क्योंकि वो उसको उसकी बॉडी पे महसूस हुआ। इतने में प्लेट्स की भी आवाज़ आई, वो हड़बड़ा के उठा, और जैसे ही उसने हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि कोई एक फेस को वो महसूस कर सकता है। उसने क्या किया, उसको एक जोर से पंच मार दिया। अब जब उसने पंच मारा है, तो जिसको उसने पंच मारा है उसने इन रिटर्न इसको 3-4 थप्पड़ मार दिए। समझ किसी को कुछ नहीं आया क्योंकि अंधेरा था। अब जैसे ही वो जैसे ही उसने हर चीज़ को यूं हटाया, तो उसको बाहर गेट दिखाई दिया, वो उसकी तरफ गेट की तरफ भाग गया, बाहर की तरफ। बाहर पहुंचा कॉरिडोर में, तो काफ़ी उजाला हो रखा था और उसके फ्रेंड्स बाहर खड़े थे। तो जब बाहर आके उसके फ्रेंड्स ने देखा कि क्या हो गया, तुम ऐसे एकदम हड़बड़ाहट से एकदम अनकॉन्शियसली बाहर आ रहे हो। अब ये सारे जने एक साथ अंदर गए, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो इन्होंने बेड, जो इस राइटर ने, फ्रेंच राइटर ने, गाय डी मोपसेंट ने अपने लिए बेड बनाया था, वो अनएक्सपेक्टेड जगह पे था। जो वेटर उसके लिए नाश्ता लेकर आया, वो उस बेड से अड़के उसी के ऊपर गिर गया, यानी राइटर के ऊपर गिर गया। जो गरम गरम उसको लग रहा था वो चाय या कॉफ़ी कुछ होगा, जो प्लेट्स उसके ऊपर गिरी वो शायद उसमें उसके लिए नाश्ता लाया होगा, और जिसको उसने मारा वो वेटर था। अब वेटर को भी कुछ समझ नहीं है, तो वेटर ने भी 3-4 थप्पड़ लगा दिए उसको। अब सारी स्थिति देखने के बाद जब राइटर और उसके फ्रेंड्स एंटर हुए कि वो वेटर सारा सामान हटा रहा है, बेड हटा रहा है, तो वो इतनी जोर से हंसे। अब ये सब कुछ पूछा गया तो राइटर ने बोला कि मैं ये सोच रहा कि तुम लोग कोई ना कोई प्रैंक कर रहे हो मेरे ऊपर, तो मैं बेड पे नहीं सोया, मैं नीचे सो गया। तो वेटर को तो ये चीज़ पता नहीं थी, और वो उसी से अड़के उसके ऊपर गिर गया। बाहर आने के बाद पूरे दिन उसके फ्रेंड्स हंसते रहे कि हमने कोई प्रैंक नहीं किया, अपने आप ही प्रैंक हो गया। कोशिश करना ये स्टोरी 2 या 3-4 जितनी बार हो रीडिंग करना, पहले सुनना स्टोरी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी बार मर्जी सुनिए, लेकिन जब आप रीडिंग करेंगे इसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, राइट। अब इसके बाद मैं आपको PDF भेजूंगी, ये आपको इंग्लिश लिटरेचर की
कॉपीज में कर, राइट? गुड डे, टेक केयर, बाय।